उत्तराखंड सरकार ने अपना कामकाज संभालते ही राज्य में विकास को लेकर अपना रोड मैप भी बना लिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कौन से काम उनकी प्राथमिकताओं में शुमार हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में कनेक्टिविटी के लिए हाईवे बनाया जाएगा ताकि उत्तर प्रदेश पर निर्भरता खत्म हो। अभी कुमाऊं से गढ़वाल जाने के लिए बिजनौर धामपुर होकर जाना होता है, लेकिन सरकार की योजना है कि राज्य के भीतर से ही इसके लिए हाईवे बनाया जाएगा। इसके अलावा त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि राज्य में पलायन लगातार बढ़ रहा है और इसे रोकना सरकार के साथ साथ उनकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। हमारी जो गढ़वाल कुमाऊं की कनेक्टिविटी है, अभी हमको उत्तर प्रदेश से होकर निकलना होता है। आज हम अपना संकल्प और हमारे अधिकारी भी यहां पर बैठे हुए हैं, जो कंडी रोड के नाम से जानी जाती है, सीधा उत्तराखंड उत्तराखंड होकर हम कुमाऊं की हमारी कनेक्टिविटी होगी। इसको हम बनाएंगे, इस रोड को हम खोलेंगे। इसके लिए हमको जो भी करना होगा वो हम करेंगे। इस मार्ग को हमको खोलना है। हरिद्वार में कंडी रोड को खोलने की मांग सालों से हो रही है और त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार बनने के बाद इस मार्ग को खोलने के लिए नए स्तर से कवायद शुरू होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि कंडी मार्ग शुरू होने के बाद गढ़वाल और कुमाऊं के बीच आसानी से आवाजाही हो सकेगी। देखिए संदीप गोसाई की एक खास रिपोर्ट। गढ़वाल और कुमाऊं इन दोनों मंडलों को जोड़ने वाला मार्ग है कंडी मार्ग। कंडी मार्ग शुरू होता है लालढांग से और फिर कोटद्वार होते हुए ये जाता है कालागढ़। इस समय हम लालढांग में है और ये लालढांग रेंज है गढ़वाल वन प्रभाग की। यहाँ से ये बैरियर लगा हुआ है, जो भी गाड़ी यहाँ से जाती है फॉरेस्ट के जो यहाँ पर चेक पोस्ट है यहाँ से होकर गुजरती है और रेट निर्धारण किए गए हैं इस पूरे रूट के। यहाँ से करीब 11 किलोमीटर जो चिल्लर खाल है पूरी दूरी फॉरेस्ट से होकर जाती है और फॉरेस्ट का जो इलाका है वो है लैंसडाउन वन प्रभाग का। सालों से इस मार्ग को पक्का करने का और पूरी तरीके से खोलने की मांग रही है, खासतौर पे जो तराई के बेल्ट हैं और गढ़वाल और कुमाऊं के जो लोग हैं जो नहीं चाहते यूपी से जाकर, क्योंकि बहुत लंबा भी पड़ता है, समय भी ज़्यादा लगता है और खर्चीला भी है। इस मार्ग को फिर से खोलने का एक तरीके से ऐलान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा है कि वो पूरी ताकत लगाएंगे इसको खोलने में, क्योंकि इसमें न सिर्फ राज्य सरकार की बल्कि केंद्र सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है। अब एक बार फिर से आज जगी है कि कंडी मार्ग खुलेगा और कुमाऊं और गढ़वाल के लोग बिना यूपी में जाए हुए देहरादून पहुंच सकते हैं और देहरादून के लोग हल्द्वानी नैनीताल के इलाके में पहुंच सकते हैं। तो एक बार उम्मीद जगी है कि कंडी मार्ग खुलेगा और कंडी मार्ग की रियलिटी चेक करने के लिए इंडिया 24/7 की टीम पहुंची है। कैमरामैन संदीप बडोला के साथ संदीप गुसाई, इंडिया 24/7, लालढांग हरिद्वार। और इससे जुड़ी हुई जानकारी भी आपको दे दें कि गढ़वाल और कुमाऊं के रोड कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहद अहम कंडी रोड है।